चले कर लेते रुख का, इस वक्त का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, गैंग रेप के एक अन्य आरोपी नरेश सोनी के घर झारखंड पुलिस पहुंची। आपको बता दें बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, नरेश सोनी के घर में तलाशी अभियान यहां पर किया जा रहा है। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, गैंग रेप के एक अन्य आरोपी नरेश सोनी के घर झारखंड पुलिस ने दबिश दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, नरेश सोनी के घर तलाशी अभियान किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कांकेर में जो एक और अन्य आरोपी नरेश सोनी उसके घर पर झारखंड पुलिस की दबिश है। बड़ी खबर आपको कांकेर से बता रहे हैं, नरेश सोनी के घर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं यहाँ पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। झारखंड पुलिस जो है कांकेर पुलिस का यहाँ पर उनको भरपूर साथ मिल रहा है, और जो एक और आरोपी है नरेश सोनी उसके घर पर फिलहाल झारखंड पुलिस पहुंच चुकी है, दबिश दे चुकी है और वहां पर तलाशी अभियान चालू है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता गौरव श्रीवास्तव। गौरव, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, झारखंड पुलिस जब कांकेर पहुंची है तो इस मामले में और भी खुलासे हो रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि एक और आरोपी है जिसके घर में पुलिस ने दबिश दिया, हालांकि वो घर में नहीं मिला है। पुलिस की जो टीम है उसने घर के चप्पे चप्पे में उसकी छानबीन की, लेकिन वो नरेश सोनी का नाम बताया जा रहा है वो घर पर मौजूद नहीं था। जिसके पश्चात पुलिस जो है उसने आसपास के इलाकों में भी पूछताछ की है उसको लेकर। और फिलहाल जो बड़ा अपडेट है कि पुलिस की टीम जो है कांकेर पुलिस के साथ झारखंड पुलिस की टीम चारमा की ओर रवाना हो गई है। मैं आपको बता दूं ब्रह्मानंद नेताम का जो निवास है वो चारमा में ही है, और इस वक्त टीम कांकेर से रवाना हो चुकी है। और देखना ही होगा कि ब्रह्मानंद नेताम के घर में कितने देर में दबिश होती है और क्या ब्रह्मानंद नेताम अपने घर पे मिलते हैं, या फिर जैसे कि हमने पहले जब हमने अपडेट दिया था कि ब्रह्मानंद नेताम सुबह से प्रचार में है, तो देखना होगा कि चारमा में क्या स्थितियां बनती है। फिलहाल नरेश सोनी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, वह घर से फरार हो चुका है। जी जी गौरव बने रहेगा हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ। जी गौरव, और क्या कुछ अपडेट है आगे की, इनकी क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? ब्रह्मानंद नेताम के पास ये कितनी देर तक झारखंड पुलिस और कांकेर पुलिस पहुंच सकती है? जी देखिए, कांकेर से चारमा का जो रास्ता है वो महज आधे घंटे का रास्ता है, पुलिस की टीम वहां रवाना हो चुकी है। अब देखना ही होगा कि उसके घर में जब ब्रह्मानंद नेताम के घर पर पुलिस सीधा उनके घर पहुंचती है, या फिर पहले चारमा पुलिस से संपर्क करती है, या फिर पहले से चारमा पुलिस को अलर्ट किया गया है। ये सारी बातें अभी साफ नहीं हो सकती है, क्योंकि झारखंड पुलिस की जो टीम है वो अभी किसी भी तरह से चर्चा नहीं करना चाह रही है मीडिया से। लगातार उनकी जो कोशिश है वो गिरफ्तारी को लेकर हो रही है। जी गौरव बने रहेगा हमारे साथ यहाँ पर। हमारे साथ भाजपा के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी को जुड़ गए। ब्रजमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 में। क्या कुछ कहेंगे आप आज बीजेपी पर, एक संकट के बादल यहाँ पर छाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, आपको क्या कुछ लगता है ब्रह्मानंद नेताम की जो गिरफ्तारी है उससे क्या कुछ असर पड़ सकता है भानुप्रतापपुर उपचुनाव में? जी ये संकट है, उपेंद्र सरकार जी ने हमें चुनौती दी है, उसको हम अवसर के रूप में परिवर्तित करेंगे। आज से 15 दिन पहले ही मोहन मरकाम जी ने ये इंडिकेशन दे दिए थे कि कांग्रेस का षड्यंत्र है। जब 4 साल पहले के घटनाक्रम बताते हैं तो 4 साल से झारखंड की पुलिस या छत्तीसगढ़ की पुलिस क्यों सोई हुई थी, और चुनाव के समय बीजेपी के प्रत्याशी बनने के बाद ये करना, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस को दिख रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अपनी मित्र सरकार के साथ में मिलकर हारते हुए चुनाव में अपनी नैया बचाने के लिए उन्होंने किया है। परंतु ब्रह्मानंद नेताम अगर जेल जाएंगे तो उसके बाद भी चुनाव जीतेंगे, भानुप्रतापपुर की जनता मानती है, उनको फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ में चुनाव हारने के डर से उनको फंसाया जा रहा है, ये घटना हो रही है। और निश्चित रूप से अगर ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड की पुलिस गिरफ्तार करती है तो ब्रह्मानंद नेताम और ज्यादा वोटों से जीत कराएंगे और जनता का ज्यादा जवाब देंगे। जी अग्रवाल जी, ये जानना चाहेंगे कि केस पुराना है, चूंकि अब भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर चंद दिन ही बचे हैं, 5 दिसंबर को ये चुनाव होने हैं, क्या कुछ कहेंगे कि इतने केवल इतने दिन पहले ही ये कुछ जो कार्रवाई की गई है ये पहले क्यों नहीं की गई और अभी क्यों की गई है? भूपेश बघेल सरकार का ये षड्यंत्र है, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार को ये समझ में आ रहा है कि ब्रह्मानंद नेताम चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस चुनाव हार जाएगी, और हार के डर से इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक ब्रह्मानंद नेताम को फंसाकर झारखंड पुलिस को बुलाकर ये षड्यंत्र किया है। इस षड्यंत्र से हम डरने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है, इसका जवाब पूरी ताकत के साथ में देंगे और ब्रह्मानंद नेताम चुनाव जीतेगा। जी ब्रजमोहन अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आज जो सुबह से ही हलचल मची हुई है ब्रह्मानंद नेताम को लेकर, जो झारखंड पुलिस है वो कांकेर पहुंचे हैं, पहुंची उसके बाद अब जो झारखंड पुलिस और कांकेर पुलिस है भानुप्रतापपुर
की ओर निकल पड़ी है। हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ पर गौरव श्रीवास्तव। गौरव, और क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है फिलहाल जो नरेश सोनी के घर से वहां पर कोई भी जानकारी ऐसी निकल कर सामने आ पाई है जिससे पुलिस को कोई भी पुख्ता सबूत मिले हो या कुछ आगे की कार्रवाई की जा सकती हो? देखिए, जिस वक्त नरेश सोनी के घर में दबिश दी गई उस वक्त मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये बात जरूर सामने आई है कि वो घर पे नहीं मिला है नरेश सोनी जो आरोपी है। और इस वक्त वहां से टीम निकल चुकी है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई है और पुलिस इसकी टीम इस वक्त जारमा की ओर बढ़ रही है। तकरीबन मैं आपको बता दूं 20 से 25 मिनट में ये टीम जारमा पहुंच जाएगी, जिसके पश्चात ये साफ हो सकेगा क्या ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी होती है या उनसे पूछताछ की जाती है। फिलहाल टीम बड़ी जारमा की ओर निकली हुई है। नरेश सोनी घर पे नहीं मिला है जिससे वहां से किसी भी तरह का अपडेट पुलिस को मिलना संभव नहीं है। जी, ब्रह्मानंद नेताम की यहाँ पर गिरफ्तारी को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए।